हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को तीन कीवर्ड देने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा कीवर्ड है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड रहेगा स्मोकिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन रहेगा, और दूसरा जो हमारा कहेगा एसिड टेन नेक पेन, और तीसरा हमारा व्हाट इज़ द वेदर। ये तीनों तीनों कीवर्ड बहुत ही अच्छा कीवर्ड है और इनका जो CPC है कमाल का है फ्रेंड्स। $10 $15 इसका, $15 शायद इसका $10 है, इसका शायद $1 की 80 पैसे ऐसे कुछ 80 पॉइंट है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल पे आपको कीवर्ड के बारे में आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी, किस कीवर्ड पे आपको काम करना है, किस कीवर्ड पे काम नहीं करना, ठीक है। ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, YouTube पे कीवर्ड, ब्लॉगिंग का कीवर्ड, एफिलिएट मार्केटिंग का कीवर्ड, किस कीवर्ड पर हमको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। तो इस चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो आपको डे बाय डे आपको कीवर्ड, एक नए नए कीवर्ड मैं आपको देता रहूँगा और हर रोज़ मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो अभी चलिए सबसे पहले मैं आप बता देता हूँ आपको ये कीवर्ड के बारे में, स्मोकिंग आपका टू एक्सप्रेशन। और फ्रेंड्स, अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप, मैं इसको दिखा देता हूँ पहले कि अगर अगर आप मतलब कि अगर आप नीश से रिलेटेड आपका कीवर्ड नहीं है, अगर अगर आप किसी और टॉपिक पे अपनी वेबसाइट को बनाए हैं या बनाने का सोच रहे हैं, तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके बहुत अच्छा से अच्छा कीवर्ड मैं आपको दे दूँगा। और CPC भी ज़्यादा रहेगा, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, कम से कम तो 2000-3000 महीने का एक कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इतने का सर्च रहेगा तो अगर उसमें से अगर 500, अगर एक कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट को अगर 500 विजिटर आते हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर आपने 10 कीवर्ड पे अगर अपने 10 पोस्ट अपने वेबसाइट को अगर रैंक हो गया, तो सोचिए तो काफ़ी अच्छा आपका ट्रैफिक आ जाएगा और काफ़ी अच्छा CPC भी मिलेगा। और इसमें आप देख सकते हैं स्मोकिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन पे देख सकते हैं 0 से, इसकी जो डिफ़िकल्टी है फ्रेंड्स 0 है, और इसका सर्च वॉल्यूम है मतलब 2000 इसका सर्च वॉल्यूम है, इसके CPC है। और इसका क्लिक भी देखिए, जितने का सर्च वॉल्यूम है उतना ही क्लिक है, तो हमारा क्लिक बहुत ज़रूरी होना, ठीक है। अगर सर्च वॉल्यूम आपका 10,000 है और आपका क्लिक आपका 1,000 है, तो वो कीवर्ड किसी काम का नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जब आपके कीवर्ड पे क्लिक नहीं होंगे तो वो फिर मतलब कोई मतलब नहीं होता है। आपके कीवर्ड तो सर्च हो रहा है पर आपके कीवर्ड पे उस रिलेटेड कीवर्ड पे जब लोग क्लिक नहीं करेंगे, तो वो मतलब कि रैंक कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मतलब इसका किया वो देख लीजिए, क्लिक इसका ज़्यादा है। तो हर कीवर्ड का आप ये याद रखें, जब भी आप किसी कीवर्ड पे काम करें तो उसका क्लिक जो है उसके सर्च वॉल्यूम से पूरा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। जैसे ये 2000 है, मैं मोटा मोटा पकड़ लेता हूँ, तो ये भी 2000 होना चाहिए। अगर 2000 से अगर 1000 है तो फिर भी हम काम कर सकते हैं, पर 1000 ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर 2000 हमारा सर्च वॉल्यूम है तो 2000 कम से कम हमारा क्लिक होना चाहिए, तभी जाके आपके अपनी वेबसाइट पर वो जब रैंक होगा तभी लोग आपके क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट पे इस कीवर्ड पे, नहीं तो नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसका आप CPC देख सकते हैं $15 है, $15, और सबसे ज़्यादा USA से इसका ट्रैफिक आ रहा है, देख रहे हैं, सिर्फ USA से। हमारे इंडिया से बहुत कम आएगा, 200, बाकी USA से 200 है, यूनाइटेड किंगडम से 800 है, ऑस्ट्रेलिया से 200 है, कनाडा से, तो सारे हाई कंट्री से कीवर्ड है, मतलब कि ये आ रहा है, तो इसके वजह से ये CPC ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और इसका क्लिक भी ज़्यादा है और इस पर सर्च वॉल्यूम है 2000 का है, कम है पर अच्छा है, हमारा 0 डिफिकल्टी है, तो हमको मतलब कि रैंक कराने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ एसिड टेन नेक पेन का, वो हमारा कीवर्ड रेफरेंस है, आप देख सकते हैं एसिड नेक पेन का, इसका देख सकते हैं 6000 वॉल्यूम है, 6000 वॉल्यूम है, और इसका जो क्लिक है वो सिर्फ 800 है, ठीक है। इसका क्लिक बिट कम है, इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर 6000 का अगर ट्रैफिक है, 6000 में से अगर आप वेबसाइट पे अगर 3000 ट्रैफिक आता है, 3000 में तो आपका कम से कम तो 100 क्लिक होगा ही, तो 100 क्लिक अगर होगा तो काफ़ी अच्छा CPC आपको यहाँ पर मिला है $18 का, तो काफ़ी अच्छा आपका मतलब ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है ना, मतलब आपको अर्निंग हो सकती है इस कीवर्ड से, ठीक है। 800 है, 800 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसमें अगर मैं 800 से मान लूँ तो 56, तो मतलब 70-70 क्लिक आ जाएंगे आराम से, 1000 पे 70 क्लिक आएंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, क्लिक हमारा होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है।
अगर कीवर्ड का वॉल्यूम है तो क्लिक भी हमारा होना चाहिए आधा, ठीक है। अभी ये 6,000 है तो कम से कम मैं मान लेता हूँ कि 1,000 कीवर्ड, 1,000 मतलब सर्च वॉल्यूम पे मैं 70 या 80 की क्लिक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा CPC भी है, तो मतलब कि CPC ज़्यादा है, क्लिक कम है, तो पर हमारा जो अर्निंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इसका देखेंगे डिफ़िकल्टी भी 0 है, तो इस पर आप काम कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है AC10 नेकपेन का। और तीसरा कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ द वेदर का। व्हाट इज़ द वेदर क्या देखें, इसकी डिफ़िकल्टी जो है एग्जाम ईजी यानी एक है। आपको दो वेबसाइट चाहिए रैंक कराने के लिए, बस सिर्फ दो वेबसाइट चाहिए, हाई अथॉरिटी का दो वेबसाइट चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो सर्च वॉल्यूम है मतलब 60,000 है, 60,000 के है। इसका क्लिक भी देखिए 11,000 के है, ठीक है। तो ये मतलब कि 11 × 66, तो यानी ये मतलब 1,000 पे आपको लगभग 1,000 पे आपको लगभग आराम से 600 क्लिक मिल जाएगा, मतलब 500 क्लिक 1,000 पे मिल जाएगा। और इसका CPC जो है जो 0.80 है यानी 80 पैसा है, तो CPC अच्छा है इसके सर्च वॉल्यूम के और इसके क्लिक हिसाब से CPC अच्छा है। अगर हमारा ये अगर 0.50 भी होता तो फिर भी हमारा मतलब कि CPC अच्छा है, क्योंकि इसका कीवर्ड की क्लिक जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप क्लिक के बारे में समझें, अगर आपके कीवर्ड पर अगर क्लिक नहीं रहेगा तो वो फिर वो सर्च वॉल्यूम रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आएगा। और यहाँ पर देखेंगे सिर्फ मैं यूनाइटेड स्टेट से बात कर रहा हूँ 60,000 का, बाकी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से 19,000 से अलग है, और फिर यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से आ सकता है, फिर कनाडा से। तो हमारा ओवरऑल हमारा जो है वॉल्यूम जो सर्च वॉल्यूम है काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। अगर इस पे आप एक हज़ार का कीवर्ड अगर एक हज़ार का कम से कम अगर आपका ट्रैफिक आने लगा तो फिर भी आपको 500-600 क्लिक मिल जाएंगे इस पे, ठीक है। तो ये है इसका क्लिक बेट ज़्यादा होना चाहिए हर कीवर्ड का। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा, और मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आए तो वीडियो मतलब शेयर कीजिएगा, जिनको कीवर्ड की ज़रूरत है आप कीवर्ड के बारे में आप ज़रूर हमें बताइए। मैं आपको कीवर्ड आपको ऐसा बढ़िया बढ़िया कीवर्ड आपको मतलब कि हाई CPC का कीवर्ड भी दूंगा और लो कंपटीशन का, ठीक है, ढूंढ के मैं निकालूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही सब काम करता हूँ, तो इसके वजह से मुझे थोड़ा मैं आसानी से आपको निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके नीज से रिलेटेड अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड अगर ये कीवर्ड नहीं रहा जो तीनों बताया हूँ, तो आपका जो भी टॉपिक है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर आपको कीवर्ड बना के कीवर्ड निकाल के आपको अच्छा CPC का कीवर्ड और लो कंपटीशन का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।